नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्माहट्स में। दोस्तों आज का ये वीडियो जो मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ, ये आपने शायद देखा हो हेल्थ मुखिया चैनल पर, लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो इसको पूरा देखिएगा और हमारे हेल्थ मुखिया चैनल को भी एक बार देखिएगा। ये मैंने वीडियो इसलिए अपलोड किया ताकि आपको पता चले कि हेल्थ मुखिया चैनल पर आपको किस तरह के वीडियो दिखाए जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छा लगेगा तो वो दूसरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। दोस्तों जब भी हमारे शरीर में कोई बड़ी बीमारी पड़ रही होती है तो उसके कुछ सामान्य लक्षण शरीर के बाहर दिखाई पड़ते हैं, तो ऐसी अवस्था में आप आसानी से पहचान सकते हैं कि आपके शरीर में कोई गंभीर बीमारी हो रही है। तो इन सभी संकेतों के बारे में हम लोग धीरे धीरे करके एक एक वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पैरों में, आपकी हथेलियों में जलन होती है तो ऐसी अवस्था में आपकी कौन सी 5 गंभीर बीमारियाँ हो सकती हैं। तो दोस्तों मैं हूं नीरज राय और आपका स्वागत है हेल्थ मुखिया में। और चलिए बात करते हैं ऐसी 5 बीमारियों के बारे में जिनका सामान्य लक्षण आपके पैरों में, आपके हाथों में जलन हो सकता है। दोस्तों अगर मैं सबसे बड़ी बीमारियों के बारे में बात करूं, उससे पहले कुछ सामान्य रीज़न भी हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके पैरों में जलन होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके बॉडी के अंदर में पानी की कमी है, डिहाइड्रेशन है, तब भी आपके पैरों में जलन हो सकती है। पेट की गर्मी की वजह से पैरों में जलन हो सकती है। इसके अलावा शरीर में पित्त जब बढ़ता है तब भी पैरों में, हथेलियों में जलन हो सकती है। तो इनको नॉर्मली हम लोग ठीक कर सकते हैं और ये 3 से 4 दिन तक रहते हैं, उसके बाद सही हो जाते हैं। लेकिन अगर लंबे समय तक ये कंडीशन रहती है, यानी लंबे समय तक आपके पैरों में, हथेलियों में जलन रहती है, तो उससे कुछ गंभीर समस्याएँ हो सकती हैं जिनके बारे में आपको सचेत हो जाना चाहिए। तो अगर अब हम बात करें ऐसी कौन सी समस्याएं होती हैं, तो दोस्तों यहां पर सबसे पहली जो समस्या आती है वो होती है विटामिन बी की कमी। यानी कि अगर आपके शरीर के अंदर में विटामिन बी की कमी है, जिसमें विटामिन B12, विटामिन B6 और विटामिन B9 महत्वपूर्ण होते हैं, तो इसकी वजह से आपके पैरों में, खास करके पैरों में जलन होती है। हथेलियों में हो सकती है लेकिन पैरों के तलवों में ज़्यादा जलन होती है, चुनचुनाहट होती है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको अपना टेस्ट कराना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए, दवा लेना चाहिए और ऐसे भोजन को खाना चाहिए जिसमें विटामिन बी की मात्रा ज़्यादा हो। इसके बारे में हमने वीडियो बनाया हुआ है डिटेल में कि किन किन भोजन में, किन किन डाइट में विटामिन बी की अधिकता होती है, तो आई बटन पे उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। दोस्तों जब हमारे शरीर में विटामिन बी की कमी लंबे समय तक रहती है तो हमारा पैर लगातार जलने लगता है और ऐसे में एक बीमारी होती है, एक सिंड्रोम होता है जिसे बर्निंग फिट सिंड्रोम कहते हैं, जो विटामिन B12 की कमी की वजह से होता है। अब आपको बता दें कि जब हमारे शरीर के अंदर विटामिन बी की कमी होती है तो हमारे न्यूरॉन्स ठीक से काम नहीं करते हैं, तंत्रिकाएं ठीक से काम नहीं करती हैं, जिसकी वजह से पैरों में जलन होती है। तो ये एक मेन रीज़न होता है और लगभग 70% से ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर आपके पैरों में, हाथों में जलन हो रहा है तो आपके शरीर के अंदर में विटामिन बी, खास करके विटामिन B12 की कमी है। दोस्तों अगर दूसरी बीमारी की बात करें तो आपके पैरों में जलन होना हो सकता है कि आपके शरीर के अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म हो। हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब होता है कि आपके जो थायराइड ग्लैंड्स होती हैं वो सही से काम नहीं कर रही हैं और उनसे जो भी हार्मोन निकलता है, जो भी रसायन निकलता है, उसकी मात्रा कम है। ऐसी कंडीशन में भी आपके पैरों में जलन हो सकती है, तो आपको डॉक्टर से जांच करानी चाहिए, आपको इसकी दवा लेनी चाहिए। आपके जो थायराइड ग्लैंड सही से काम नहीं कर रही है उसके लिए अलग अलग मेडिसिन आती हैं, वो सही से काम करने लगेंगी तो आप ठीक हो जाएंगे। दोस्तों तीसरा जो कारण होता है वो है डायबिटीज़ के लास्ट स्टेज में। शुरुआती स्टेज में तो आपके पैरों में जलन नहीं होती है, लेकिन अगर शुरुआती स्टेज में आपने कोई भी बीमारी की दवा नहीं कराई है और वो अपने प्रॉपर स्टेज में वो फुल यंग हो चुकी है बीमारी, तो ऐसी कंडीशन में डायबिटीज़ में आपके पैरों में जलन हो सकती है। ये क्यों होता है ये भी सुनिए। होता क्या है कि जब हमारे शरीर में डायबिटीज़ होता है तो ऐसे में ब्लड के अंदर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है, और क्योंकि ये ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने की वजह से जो ब्लड है वो न्यूरॉन्स तक जब जाता है तो सही से एक तो सप्लाई नहीं कर पाता, दूसरा ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से जो ग्लूकोज है वो हमारे न्यूरॉन्स को डैमेज करता है, जिससे न्यूरोपैथी की समस्या आती है। और न्यूरोपैथी की समस्या की वजह से आपके पैरों में झंझनाहट, टिंगलिंग, हमेशा झुनझुनी पकड़ना, नमनेस होना और जलन, ये सब अनुभव हो सकता है। तो ऐसे में आपको डायबिटीज़ का इलाज कराना चाहिए। दोस्तों अगली जो प्रॉब्लम है, जो चौथी प्रॉब्लम है, वो है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर में भी ब्लड का जो फोर्स होता है वो तेज हो जाता है, जिसकी वजह से आपको पैरों में जलन, हाथों में जलन हो सकती है। तो अगर आपको पैरों में जलन, हाथों में जलन होती है जब आप लेटे रहते हैं और आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है अचानक से, हाथों का, पैरों का, कान का लाल हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई है।
तो हाई ब्लड प्रेशर का भी एक सामान्य लक्षण हो सकता है हाथों पैरों में जलन होना, झुनझुनाहट होना और इसका लाल हो जाना और इसका टेम्परेचर बढ़ जाना। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको आपके हाइपरटेंशन का इलाज कराना चाहिए, हाई बीपी का इलाज कराना चाहिए, उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। अब दोस्तों अगर मैं बात करूँ जो लास्ट बीमारी है वो कौन सी हो सकती है, किस चीज़ से संबंधित हो सकती है, तो अगर आपके पैरों में अक्सर जलन होती है तो ऐसी कंडीशन में आपको किडनी डिजीज़ हो सकता है। वैसे किडनी डिजीज़ सीधे तौर पर पैरों के जलन से संबंधित नहीं है, लेकिन जब किडनी सही से काम नहीं करती है तो हमारे शरीर में, हमारे खून में जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, एक्सक्रीटरी मैटर होते हैं, उनकी मात्रा बढ़ जाती है और ऐसे में ये एक्सक्रीटरी मैटेरियल हमारे न्यूरॉन्स को डैमेज करते हैं, तंत्रिकाओं को डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से आपकी तंत्रिकाओं के अंदर न्यूरोपैथी की समस्या आती है। और फिर ऐसे कंडीशन में जब न्यूरोपैथी की समस्या आती है तो हो सकता है आपको पैरों में जलन, हाथों में जलन, नमनेस, टिंगलिंग, ये सब हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अगर किसी भी तरीके से सही नहीं होता है तो अपनी किडनी की जांच भी जरूर करानी चाहिए। तो अगर किडनी से संबंधित और भी समस्याएं आ रही हैं, आपको कुछ लक्षण आ रहे हैं, तो किडनी की जांच ही आपको कराएं। मैंने आपको ये पांच ऐसी बीमारियां बताई दोस्तों जिसमें हो सकता है कि आपको पैरों में, हाथों में जलन हो और उससे आप पहचान सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया सबसे मेन रीज़न होता है विटामिन B12 की कमी। तो अगर आपके हाथों पैरों में जलन होती है तो डॉक्टर से मिलें, उसको अवॉइड ना करें, क्योंकि अवॉइड करेंगे तो बीमारी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों ये था आज का छोटा सा वीडियो आपको ऐसा लगा, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा और हमारे चैनल को शेयर भी करिएगा, जिससे और भी सब्सक्राइबर बढ़ सके और हम अच्छे से काम कर सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।